गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पूजा और अभी सुबह के टाइम है, तो सुबह सुबह मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों ही निकल गए हैं अपने काम पे और मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हुई हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए, उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर जाऊँगी बेटी के स्कूल, बेटी को लाने के लिए। और आज खाने में बहुत सारा चीज़ है, दिखाती हूँ। तो यहाँ पे है रोटी, अच्छा, और यहाँ पे है थोड़ा सा आलू भाजी, जो टिफिन में मैं रोटी और आलू भेजा है आज मैंने बेटी को। यहाँ पे है दाल, ये है मूंग दाल, और ये पम्पकिन के जो डंठन है वो डंठन से बनाया गया है मूंग दाल, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और ये है पम्पकिन के साग। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे है माय फेवरेट मटन, मटन करी। बहुत दिन बाद मटन खाने को मिल रहा है, तो आई एम सो एक्साइटेड। तो ये था आज का लंच जो आज खाने वाली हूँ। सो पूजा करने से पहले लंच में क्या क्या है ये सब मैंने दिखा दिया, तो एनीवेज कोई नहीं होता है। तो चलिए पूजा शूजा करने के बाद फिर से मिलते हैं। बेटी को स्कूल से लेके अभी जस्ट घर वापस आई हूँ, और ये तो घर आते ही उधम मचाना चालू कर दिया है। तो और आज बाहर का जो वेदर है ये तो माशाल्लाह, दिखाती हूँ। ये बिल्कुल रेनी सीजन, और ऐसे सीजन में ना, मतलब ऐसे सीजन घर बैठे बैठे एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन बाहर जाके बेटी को जब लेने के लिए स्कूल जाती हूँ ना, तब ऐसा अगर बारिश शुरू हो जाए तो सच में बहुत ही ज़्यादा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है यार, अच्छा ही नहीं लगता। और मुझे तो ठंड लगने की बीमारी है, छोटी छोटी बातों पर ठंड लग जाती है, जैसे बारिश के बूंदे मेरे सर के ऊपर गिरेगा तो तुरंत सर्दी जुकाम से मैं परेशान हो जाती हूँ। तो और अब आज माँ बेटी दोनों ने ही स्कूल से वापस आते समय रेनकोट लगाए थे। ये है बेटी का रेनकोट, ये है मेरी रेनकोट, तो ये दोनों को अभी यहाँ पे मैं टांग दूंगी बालकनी में सुखाने के लिए। ये हम दोनों ही रेनकोट लगा के आज स्कूल से घर वापस। बेटी को स्कूल से लेके आने के बाद मैं इसको नहला देती हूँ थोड़ा बहुत हल्का मसाज करके, उसके बाद थोड़ा सा खाना भी खिलाती हूँ इसको, क्योंकि वैसे तो मैं इसको खाना देकर ही भेजती हूँ, लेकिन मन नहीं मानता, लगता है कि स्कूल में जाके इसने क्या खाया होगा, अच्छे से खाया कि नहीं, इसलिए घर वापस आने के बाद थोड़ा सा खाना फिर से मैं अपने हाथों से इसको खिलाती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सुबह से लेके शाम हो गया आप लोगों से बात करते करते, और टाइम कहाँ से बीत गया पता ही नहीं चला। एंड अभी शाम के एकदम घड़ी में 6 बज रहे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, 6 o'clock। अभी जस्ट सुमन वापस आया है, घर वापस आया है ड्यूटी से, और साथ में दो चीज़ें लेके आया है, बहुत ही महंगा, बहुत ही खूबसूरत दो चीज़ें हैं। वो क्या क्या मैं बताऊँगी नहीं, मैं दिखाऊँगी, तो चलो। सो फर्स्ट चीज़ है जूते, जो हमने कोलकाता सीलेदर से ऑनलाइन मंगाए थे। तो सिक्किम में रहते हुए कोई अगर सीलेदर के जूते खरीदना चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी हो जाता है। नेक्स्ट सामान है सुमन के, ये हमारे नहीं है, ये सुमन का है, और ये बॉक्स मेरा ड्रीम फोन आ गया है, तो अभी खोल कर देखते है कैसा है। फोन अनबॉक्सिंग चल रहा है, 3 दिन में फोन आया हुआ है, 22 तारीख को ऑर्डर किया था, 27 को बोला था बाजार, आज ही दे दिया, फास्ट डिलीवरी है। तो ये रही इसका ड्रीम फोन, ये है iPhone 13। मेरे पास तो नहीं है iPhone 13, मेरे पास है iPhone 11, लेकिन इनका है iPhone 13। Here is the phone.
ऑन हो गया फोन। ये बॉक्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं देते हैं, इसमें एक खाली चार्जर का केबल्स है, चार्जर नहीं है, ये रहा चार्जर केबल्स, चार्जिंग केबल, एक साइड में लाइटनिंग, एक साइड में यूएसबी सी और एक पिन इजेक्टर दिया है, सिम इजेक्टर टूल, और कुछ नहीं दिया है, एक छोटा सा लीफलेट है खाली, इसमें इसमें एक एप्पल का लोगो है, दिखाता हूँ, एक डॉक्यूमेंट, एक एप्पल का लोगो, और कुछ नहीं दिया है। नया फोन खरीदने की खुशी में अभी मनाया जाएगा जश्न, और इसीलिए यहाँ पे चिकन बन रहा है, और मैं भी अभी ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी। हर दिन की तरह आज भी उम्मीद लगा के बैठी रहूंगी कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए भगवान होते हैं। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखे हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे नया एक ब्लॉग लेके, नया एक मज़ेदार ब्लॉग लेके, तब तक के लिए मैं बोलूँगी अलविदा एंड लव यू ऑल।